यही पूछ रहा हूँ कि जब आप कैंपेन कर रहे थे, यानी कि बीजेपी की सरकार है, तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान के दायरे में हर संभावनाओं की तलाश की जाएगी, तो पिछले 4 साल कितनी संभावनाओं की तलाश की गई और क्या आपको एक भी संभावना ऐसी नहीं मिली कि उस संभावना को लेकर मंदिर का निर्माण किया जाए? तो उस संभावना की तलाश हम कब तक करते रहेंगे? और अगर मामला अदालत के पास ही डालना है तो फिर चुनाव के प्रचार के दरमियान उसका इस्तेमाल ना करें, और फिर बता दो कि भाई और बहनों हमें माफ करो, ये भी हमारा एक चुनावी जुमला था। अब हिंदुओं के साथ और उनके खास करके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया। कुछ भी करो, मैं कोई ऐसा तज्ञ नहीं हूँ यहाँ बैठा हुआ, कुछ भी करो। कुछ चीजें ऐसी हुई थी जैसे ट्रिपल तलाक की बात है, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया था? डिमोनेटाइजेशन के बारे में आप कोर्ट में गए थे? तो सरकार सत्तर होती है और अटल जी की सरकार एक मिली जुली सरकार थी, तो चलो उस वक्त ये मामला नहीं उठा सकते थे हम, लेकिन आज की सरकार बहुत ताकतवर है, ये सरकार मजबूत है, और अगर ये सरकार नहीं करेगी फिर दूसरी कौन सी सरकार करेगी? तो कुछ दिन बाकी रहेंगे, मंदिर तो होगा, मंदिर तो होते होगा ही होगा, लेकिन अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो शायद ये सरकार नहीं बनेगी लेकिन मंदिर जरूर बनेगा।